हाय छोटूस, अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। तो छोटू, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस छोटू एक बहुत अच्छा और मजे का शो, जिसमें हम करते हैं बहुत अच्छी अच्छी और मजे मजे की बातें। और हाँ, रोज हम लोग करते हैं टॉपिक पे डिस्कशन, जो कि आपकी नॉलेज में इजाफा भी करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। तो इसी तरह आज भी जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर के। साइंटिस्ट ने हमारे लिए कंप्यूटर तो ईजाद कर लिया है, लेकिन उसके बहुत नुकसान भी हैं जहाँ पर फ़ायदे भी हैं। देखिए छोटू, उस कंप्यूटर के जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी हैं। फ़ायदे हैं कि बंदा अपनी चीज़ सेव कर सकता है, जल्दी से किसी को ईमेल कर सकता है, सकते हैं, बहुत से एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेज की तो लिस्ट हो जाती है। देखिए छोटू, डिसएडवांटेज में आते हैं कि आईसाइट वीक हो जाती है, बैठे रहते और मेमोरी भी लॉस हो जाती है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, देखे ना, काले काले हो जाते हैं यहाँ पे आंखों के नीचे, वो पड़ जाते हैं बैठे 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 पूरी रात बैठे हुए। हाँ, ये गेम खेलने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और देखिए आपकी बैकबोन का प्रॉब्लम हो जाता है, बैठे रहते यूँ करके टेक यूँ करके यूँ आपकी कमर में दर्द होता है, टेक ना के बैठते। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, आप लोग ना जैसे आपको कोई काम मिलता है कि इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है जगह जगह, प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है आपको, है तो आप यार नेट खोलो यार नेट से, बुक से बिल्कुल भी हम लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, बुक्स खोल कर नहीं देखते, उनसे सर्च नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट नेट खोलते हैं और वेबसाइट खोल के सर्च करते हैं, फौरन से फटाफट हमारे सामने सब कुछ आ जाता है, हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो हम कहते हैं यार वो वाली वेबसाइट खोलेंगे, उस पर लिखेंगे, सर्च करेंगे और हमें मिल जाएगा। हम बुक्स को मुड़ के देखते ही नहीं है कि बुक से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। हम लोग जहमत नहीं करते कि बुक खोलें, उसमें से इन्फॉर्मेशन देखें और लिखें। अच्छा, राइटिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है उससे, कि हम लोग ना हर चीज़ कंप्यूटर पे लिखते हैं, कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, हम लिखते नहीं हैं, उससे हमारी राइटिंग पावर जो होती है ना बिल्कुल वीक हो जाती है। हम लोग लिखेंगे नहीं तो हमारी राइटिंग पावर कैसे इंक्रीज होगी, हमारी राइटिंग पावर बिल्कुल डाउन हो जाती है। हम लोग लिखने का दिल नहीं करता कि यार कंप्यूटर पे कर लेते क्या फ़ायदा होगा, नहीं देर लगेगी, आराम आराम से लिखने, कोई आपका दिल नहीं चाहता, और राइटिंग भी ख़राब हो जाती है इससे। हाँ, और आपका दिमाग नहीं चलता, आपकी मेमोरी में इजाफा नहीं होता, आप बस आपने कंप्यूटर खोला होने का कंप्यूटर सब कुछ तो हो जाएगा। अब हम लोग ने कंप्यूटर को अपने ना क्या कहते हैं, हर चीज़ होती ना कंप्यूटर है बस कंप्यूटर में हो जाएगा, बस कंप्यूटर में कर लेंगे, बस कंप्यूटर है ना बस उसमें कर लेंगे, एडिशन कैलकुलेशन सब कुछ उसमें, हम लोग खुद से कोई चीज़ ही नहीं करते। छोटू आप देखें, आप खुद तो कोई चीज़ कर लिया करें, जैसे कि आप देखें, आप फ़ोन में लिख के सेव कर लेते हैं, पेंसिल रखी हुई सब छोटो यहाँ फ़ोन में लिखा आपने, कुछ आपको करना होगा उन्होंने लिखा, सेव करके आपने रख दिया, मतलब आप भूल ना जाए, आपने इधर लिख दिया उधर लिख दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप फाइलों पे लिखने, आप कोई बंदा होता है उसे कहते कि यार ये इसमें ना मुझे याद रह जाए तो मैं ये कर लेता हूँ, बोलते हैं अच्छा यार फ़ोन पे लिख लेते हैं। अक्सर होता है ना कि यार मुझे उस दिन मुझे जल्दी उठना है तो ऐसा करता हूँ, जल्दी उठने की बात तो हाँ फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको कोई चीज़ याद रखते हैं आप पेपर पर लिखते हैं, फ़ोन पर लिख देते हैं या तो कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। तो देखिए छोटू सा, लिखें उसको ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपकी स्पीड भी तेज़ हो, क्योंकि अगर आप जब तक नहीं लिखेंगे तो आपकी राइटिंग और स्पीड दोनों कैसे इंक्रीज होगी, सोचने वाली बात है ना छोटू, तो आपकी मेमोरी कैसे तेज़ होगी। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपनी मेहनत से जाके बुक से इंफॉर्मेशन निकालें, बुक से सब कुछ करें। देखिए बुक्स आपको किस लिए लिखी जाती हैं, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज इतनी सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, इसीलिए होती हैं कि उठा के इधर किनारे पे करते हैं हम लोग, कंप्यूटर खोल के बैठ जाएं। देखिए ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी चाहिए बुक से, क्योंकि बुक्स इसीलिए लिखी जाती हैं। तो आप क्या ख्याल है भैया? हाँ छोटू सैफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बिल्कुल भी, हम लोग बुक्स को बिल्कुल भी हम उससे सर्च नहीं करते कुछ भी, हम बस फौरन से नेट खोलते हैं और वेबसाइट पे चले जाते हैं, सब कुछ सामने हमारे लिखा हुआ आ जाता है। हम थोड़ी सी मेहनत करें, बुक्स से हमें ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी और हमें अच्छे से अच्छा में आएगा, जो हमें नॉलेज में हमारी और इजाफा होगा। अच्छा एक तो ये भी होता है कि हम लोग जैसे नेट ऑन किया, हमने अपने जो काम की चीज़ें हैं वो हमने लिखी वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे हमने लिख ली ना, तो क्या नाम है, सर्च किया हमने, वहाँ पे वेबसाइट आई उस पर क्लिक किया, फिर वहाँ पे एक और लिखा है उस पर क्लिक किया, 15 जगहों में जाना पड़ता है
इतना आपको लंबा 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 प्रोसेस, वहाँ पे लाइट चली जाती है, आपकी सेव नहीं होती चीज़। देखिए छोटे तक आपने लिखा होगा, जहाँ तक लिखा होगा लाइट चली गई, फिर लाइट आई, फिर आपने वापस से कंटिन्यू। अच्छा कंप्यूटर में ये भी होता है नुकसान आपका, इतनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन तक पहुँच गए, सेव नहीं की, सब कुछ गायब, सब कुछ गायब हो गया। लेकिन छोटू उस समय आपको बताऊं कि आप अपनी मेहनत से सब कुछ करें, इससे आपकी राइटिंग पावर इंक्रीज होगी, आपकी मेमोरी में इजाफा होगा, आपको मेहनत करने की आदत पड़ेगी और बुक का इस्तेमाल पता लगेगा। अच्छा यहाँ पे ब्रेक आया है, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर को आप जहाँ पे समझे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है वहाँ पर यूज कीजिए, और बुक से ज्यादातर नॉलेज हासिल कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बुक यूज कीजिए, उसको रीड कीजिए, सब कुछ बुक से कीजिए। अच्छा, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर यूज करें जहाँ पर आपको वाकई में बहुत जरूरत हो। अच्छा बुक्स यूज करने से आपको मेहनत करने की आदत पड़ती है, ठीक है छोटू। अच्छा यहाँ पे ब्रेक आया, ब्रेक पे से पहले हम आपको बताएं, अगर आप हमसे या हमारे छोटू से कुछ शेयर करना चाहते हैं या तो आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए indaschotu@indas.tv। आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं, IC स्पेस नेम कॉन्टेक्ट नंबर 8 सिटी और भेज दीजिए उसको 1313। छोटू SMS और ईमेल का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और देख लीजिए, अगर हमसे समझ में आए तो नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी एक अच्छी सी गेस्ट, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा अच्छा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटू, जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हमारे साथ मौजूद होंगी एक अच्छी सी गेस्ट, तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे करते हैं कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या नाम है? रिदा फातिमा। रिदा, देखें छोटू रिदा ने हमें SMS किया था कि वो हमारे शो में आना चाहती हैं, तो हमने कहा ओके रिदा, अगर आप हमारे शो में आना चाहती हैं तो हम आपको अपने शो में ज़रूर बुलाएंगे, और हमने रिदा को अपने शो में बुला लिया। कौन सी क्लास में रिदा? सिक्स में। सिक्स क्लास में? अच्छा सिक्स क्लास में आपकी कोई फेवरेट फ्रेंड है? कौन? हफ्सा। हफ्सा, हफ्सा क्यों अच्छी लगती है आपको? ऐसे उसके नेचर वाइज बहुत अच्छी है। नेचर वाइज? अच्छा हेल्प करती हूँ आपकी किन चीज़ों में? पढ़ाई में अगर कुछ मुझे नहीं पढ़ना आ रहा हो, मुझे डिसलाइक लग रहा हो वो सब्जेक्ट, तो मुझे वो लाइक करके दिखाती है। अच्छा तो आपकी वो इस तरह हेल्प करती है। अच्छा कोई फेवरेट टीचर? सब हैं फेवरेट टीचर्स। आपको कोई एक टीचर तो अच्छी लगती होंगे कि सबसे अच्छी है टीचर है? नहीं सब अच्छी हैं। अच्छा कोई फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स? अच्छा जो टीचर आपको बुरी लगती है वो कौन सी टीचर है? नहीं वो सब अच्छी लगती है ना। सब अच्छी लगती है। अच्छा आपकी क्लास में एजुकेशन कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। अच्छी जा रही है। पोजीशन आती है? नहीं पोजीशन तो नहीं आती है, कभी कभार आ जाती है जब मम्मा पढ़ाती हैं। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मम्मा आपसे बहुत अच्छी मेहनत करवाती हैं, मम्मा आपको दिल लगा के पढ़वाती हैं कि बेटा इस तरह पढ़ो, बिल्कुल मम्मा कहती हैं कि बिल्कुल हर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ो, मम्मा बिल्कुल ठीक पढ़ाती हैं आपको। वैसे आप खुद ही से पढ़ती हैं? जी। गुड। आपकी फेवरेट जगह जहाँ पर आपको लगता है कि मैं घूमने जाती हूँ ये अच्छी जगह है? सी साइड। सी साइड, वहाँ पर जाके क्या क्या करती हैं? वहाँ पे समंदर होता है ना तो इसलिए। और वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे जाके खेलते हैं, सब पिकनिक बनाते हैं, खेलते हैं जाकर। अच्छा, अच्छा कोई ऐसा वाक्य जो आपको अब तक याद हो? बहुत फ़नी सा वाक्य? नहीं, कुछ तो हुआ होगा फ़नी सा, बहुत मज़ेदार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो एक चीज़ तो हुई होगी कभी कि हाँ यार ये याद रहेगा मुझे हमेशा, कोई वाकया, कोई एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट तो वो तो बुरा हुआ, फनी वाकया है वो। कोई वाकया, कोई भी वाकया, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो चाहे जैसा भी हो? नहीं ऐसा कोई वाकया नहीं है। कोई भी वाकया नहीं? अच्छा कोई जोक सुनाएंगे? नहीं जोक आते ही नहीं। हो अच्छा, कितने भाई बहन हैं? सिर्फ दो बहन हैं। दो बहन, कोई भाई नहीं? नहीं। लड़ाई होती है? हाँ बहुत कम होती है, बहुत कम। किन बातों पे?
जैसे ऐसे वो फालतू में बोलना स्टार्ट हो जाती है। फालतू में बोलना स्टार्ट हो जाती है यानी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो बोलना स्टार्ट हो जाती है अपने मतलब के सब्जेक्ट से। इसलिए कोई एक लड़ाई जो आपको याद हो? नहीं, सारी लड़ाइयाँ होती होगी। हाँ, एक लड़ाई थी जब क्या, क्या हुआ क्या? वो उसने मेरे बाल नोच लिए। ओहो, दर्द हुआ था? हाँ। बाल के साथ पे नोचे थे आपने? नोचे नहीं, मैंने नोचे नहीं, मैंने सीधा अपने पेरेंट्स को बता दिया। अच्छा, ये अच्छी बात है, आपने उन्हें मारा नहीं, कुछ नहीं किया, बल्कि सीधे जाके अपने अम्मी अब्बू को बता दिया। अच्छी बात है, ऐसे जाके आप बदले में आपने थप्पड़ मारा, बदले में आपने नहीं किया, बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने जाके डायरेक्ट पेरेंट्स को बताया, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन सा? इंडियन, पाकिस्तानी? कोई भी, कोई भी, कोई भी। पाकिस्तानी कोई है? पाकिस्तानी, हाँ। कौन? रीमा। ओ, और एक्टर? एक्टर फैसल कुरैशी, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्यों अच्छे लगते हैं? बस ऐसे उनकी फिल्म अच्छी आती है तो सब उनको लाइक करने लगते हैं, तो इसलिए। आपको इसीलिए अच्छे लगते हैं। आपने उनकी कितनी फिल्में देखी या ड्रामे कितने देखे? ड्रामे मैंने बहुत देखे हैं उनके, बहुत से ड्रामे देखे हैं आप, इसीलिए। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर? प्रैक्टिस की है अभी? कैसे प्रैक्टिस की? ऐसे मेरा एक पेट है तो उसमें क्लोथ्स बनाती रहती हूँ, डिज़ाइन बनाती रहती हूँ क्लोथ्स, उसके कपड़े। हाँ। ओके, कैसे आप उसके कपड़े खुद ही सीती हैं? सीती नहीं हूँ, इनके बनाती रहती हूँ और फिर दिल चाहता है तो टेलर पहनाती हूँ उसे। पहनाती हैं? नहीं। फिर कैसे बनाती हैं भाई? पेपर पे बनाती हूँ। मैंने कहा वैसे आप स्टिचिंग में? नहीं नहीं, ये सब। तो आपके पास कौन सा पेट है? मेरे पास ऐसी रफ कॉपी है, उसमें बनाते रहते पेट, पेट। वो समझे कि पेट है आपके पास? नहीं, रफ कॉपी। उफो, रफ पेट समझना। मैंने कहा इनके पास पेट है, मैं पूरा क्वेश्चन मैंने कौन सा तो कोई पेट है आपके पास? नहीं नहीं। अच्छा, आपने कभी कहा है मम्मा पास, मम्मा मुझे घी वाला पेट चाहिए, मुझे अच्छा लगता है? हाँ। क्या अच्छा लगता? कैट। कैट, कैट मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। एक दफा ना मैं जमीन की कैट को प्यार कर इतनी जोर से पंजा मारा, पूरा हाथ मेरा छिलके हो गया उस दिन से। नहीं, ये पत्थर मारा था उसको। नहीं, तो सही मारा था तुम्हें वैसे? नहीं जी, मैं पत्थर। तुमने क्यों मारा था? मना करी थी ना? मैं उसको याद नहीं कर रहा था। उसी बार मैंने इस तरह से आवाज निकाली, बिल्ली भी डर गई, पता नहीं क्या हुआ, उसने बदले मुझे पंजा मार दिया हाथ से। और जो दर्द हुआ ना उसको, इतना नोच रहा था, वो जाना चाह रही थी, बिल्कुल पकड़ा हुआ था, छोड़ ही नहीं रहा था। बिल्ली अच्छी लगती ना, प्यार करते रहो उसको, प्यार करते रहो। फिर मैंने आया कि ऐसी ना, मैंने कहा चलो ये एक चीज करके, उसको डांस करा रहा था, दोनों हाथ पकड़ के ही वो डांस करवा रहा था बिल्ली। यहाँ बस ऐसे मजे में होते हैं ना, उस वक्त मैं छोटा भी था बहुत, तो ऐसी वाली बिल्ली से पोलो ने मारा था ना, उसका नाम तुमने पोलो रखा। तो इसने अपना पता नहीं कौन कौन से नाम, पियानो, पाइप, पोलो, क्या क्या रखे हुए थे, अजीब वगैरह। लेकिन वो पेट से ऐसी अटैचमेंट हो जाती है ना कि वह इतने प्यारे हैं, वो प्यार करते हैं उसके। जैसे इसने पता है क्या, अपनी ना जो पता नहीं क्या थी, पोलो उसके ना कपड़े बनाए थे, उसे पहना फ्रॉक पहनाया था, पहनाई थी। गुड़िया बड़ी थी ना मेरी डॉल, तो उसका फ्रॉक होता है, पोलो को पहना दी। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ने वो पूरे इलाके में घूम रहे हो, सब इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे, फ्रॉक पहनी हुई है, घेरदार सा फ्रॉक था। अच्छा, बड़ों के फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं, तो जो आप कपड़े बनाएंगी वो कहाँ कहाँ अपनी ब्रांचेस खोलेंगी? कहाँ कहाँ मतलब, इसी पाकिस्तान में खोलेंगी या बाहर? पाकिस्तान में खोलूंगी, सबसे पहले पाकिस्तान में खोलूंगी, उसके बाद बाहर खोलूंगी। उसके बाद बाहर कहाँ? बाहर ऐसे अमेरिका, लंदन, पेरिस, ऐसे। ओहो, फिर वहाँ पे तो खोलेंगे? आपने क्यों सोचा कि मैं काफ़ी वहाँ पे क्यों खोलूँगी? ऐसे इंटरनेशनल कंपनी हो जाएगी फिर। अगर आप नहीं खोल पाई तो फिर दूसरा ट्राई कर लूँगी। क्या मतलब? इनके डॉक्टर, इंजीनियर से बन जाऊँगी। अच्छा, मतलब आपको पक्का नहीं है कि? बचपन में तो इतना नहीं होता,
शौक में बोल देते हैं कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन बड़े होकर बहुत से बंदे जो होते हैं ना बन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सोच ही रहे होते हैं और बन कुछ और जाते हैं। तो मतलब आपको कह रही हैं आप कि मैं बनूंगी तो ये, लेकिन पक्का नहीं, मुझे पता नहीं है कुछ। अच्छा, ट्राई करनी होगी, लेकिन आपको हार्ड मेहनत करनी होगी। आपने कहा नाम का आपने अमेरिका, यूएसए, कौन कौन सी यूएसए अमेरिका, पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम कोई इजी काम नहीं है। ये बड़े बड़े मुल्कों के नाम है, यहाँ पे आपको खोलने के लिए मेहनत भी करनी होगी। तो आप मेहनत करेंगी, ऐसे बैठे बैठे बोलने से नहीं होता, मेहनत करना सही। वो अलादीन का चिराग होता है ना, वो नहीं होता किसी के पास। अच्छा हाँ, से एक बात याद आई, अगर आपको, अगर फर्ज करें आपके पास एक चिराग आ जाए और आप उसमें से जिन निकले, एक विश आपको दी जाए, तो आप कौन से विश करेंगे? मेरी विश कि मेरा फ्यूचर ठीक हो जाए। मतलब आपको पता है कि आपका फ्यूचर बहुत बुरा है? नहीं, यानी कि फैशन डिजाइनर जो चाहूँ बन जाऊँ मैं, जो अच्छा। दिल चाहे हो जाए। अच्छा, तो आप ये विश करेंगे, सोच में कुछ भी मांग सकते हैं, सब कुछ ये विश करेंगे। अच्छी विश है, मैं तो कुछ और मांगता। और अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए? नहीं, प्रेसिडेंट अच्छा नहीं होता। वो लेकिन अगर फर्ज करें एक महीने के लिए बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे अपने मुल्क के लिए? मैं अपने मुल्क के लिए इनके ये जो जितनी महंगाई हो रही है उसको मैं ठीक करूंगी। बिल्कुल ठीक। और पुअर पीपल को एजुकेशन दिलवाऊंगी, ताकि सब एजुकेशन हो जाए उधर। हाँ, सबसे बड़ा मसला ना पाकिस्तान में कि बहुत से बंदे एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ वो इतनी फीस होती है, फीसिस की वजह से ना, वो जो फीस होती है ना उनकी अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, जरूरत इतनी इतनी फीस आती है, इतनी सारी फीस यार, ये क्या, इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा क्या होता है, थोड़े कम लेवल के स्कूल पर, कम लेवल में, अच्छे लेवल के स्कूल में नहीं पढ़ पाते। तो आपने बहुत अच्छा काम करेंगी कि आप प्राइसेस थोड़ी सी कम कर देंगी, स्कूल बनाएंगी, और क्या करेंगी? और हॉस्पिटल्स बनाऊंगी, और बस। देखिए, आपको अगर एक महीने में हॉस्पिटल बनाना है तो आपको अच्छी टीम लेनी होगी। ये नहीं, चाय का टाइम है, चाय पीओ। चाय पीने बैठ के आपको अच्छी टीम लेनी होगी जो हार्ड वर्किंग हो, वरना कोई ऐसी टीम, ओ भाई खाना खा लो, खाना बंद हो गया है, पैसे जल्दी जल्दी जमा कर लो, ओ भाई हमारे पैसे दो। आपको अच्छी टीम लेनी होगी, आपको एक महीने में सिर्फ हॉस्पिटल में आना, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा प्रेसिडेंट से, और आपकी छोटी बहन का मना दिया जाएगा जो आपके बाल नोचती है। तो आपको जो भी करना है इंशाल्लाह आपको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो आप सैफ आपको प्रेसिडेंट बनाए। यार मेरे हाथ में थोड़ी है मैं प्रेसिडेंट बनाऊंगा। भाई तू ऐसा बोल रहे हो, लग रहा है बना दोगे, मुझे भी बना देना, सही है। ख्वाबों में। अच्छा, बर्थडे कब आती है? 1st मार्च। 1st मार्च सेलिब्रेट होती है? कैसे? जैसे कोई सरप्राइज पार्टी दे देते हैं फ्रेंड्स मेरे। और कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बर्थडे आ गई हो लेकिन आपकी मम्मी पापा को पता ना चले और आप सबसे बोल रही हो भाई मेरी बर्थडे आ गई है, सेलिब्रेट करो, बर्थडे आ गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सब पहले पता चल जाता है, सब पहले 12 बजे सब विश करना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 बजे विश कर देते हैं सब लोग के, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू, उसको हैप्पी बर्थडे विटामिन लगाते हैं या तो खुद ही विश करते हैं? खुद ही विश करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है? मेरे मॉम डैड। वो क्या देते हैं? ऐसे डॉल्स दे देते हैं, बेडरूम सेट बना के दे देते हैं, कोई बेडरूम सेट दे देते हैं डॉल्स का जो होता है। तो आप अपनी बर्थडे में क्या काटती हैं? बछिया, बैल, गाय, ऊंट, क्या काटती हैं? केक। केक काटती हैं, वेरी गुड। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो पता नहीं बहुत से बच्चे ने कहा बछिया, ऊंट, मैं वो बैल, गाय, बकरी, पता नहीं क्या क्या। भाई तुम ऐसा सवाल करोगे तो बच्चे भी ऐसे जवाब देंगे। गेस को कैस को कंफ्यूज करें छोटू। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम अपनी बर्थडे में क्या करता हो, बोले आप बकरे का, आपने कौन सा? अच्छा ये बताइए, केक कौन सा आता है? केक स्ट्रॉबेरी भी आता है, वनीला भी आता है, सब तरह के आते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे चॉकलेट और वनीला। फेवरेट डिश कौन सी है? पिज्जा। पिज्जा खाती हैं आप? मुझे अच्छा इसीलिए लगता है।
मम्मा घर पे बनाती हैं या बाहर खाने जाती हैं? मम्मा बनाती हैं। मम्मा घर पे बनाती हैं, अच्छा करती हैं आप, क्योंकि बाहर के ना खाने आप मुझे लगता है कि ठीक नहीं होते, क्योंकि ना बाहर के खाने पे इतना पता भी नहीं होता, गंदगी से बना दिए यार ये ऑर्डर है, घर पे बना रहे जल्दी जल्दी में ऑर्डर पूरा करना होता है बस। एक दफ़ा मैंने ना देखा था एक पिज्जा वाले की जगह पे, उसने पता क्या किया था, मैं देख के मेरी आँखें फटी रह गई थी। वो आया, वो टेबल इतनी बड़ी टेबल थी है, प्याज धोई हुई थी उसके हाथ में, प्याज थी है, उसने टेबल पे प्याज रखी, खटाखट 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 काटना शुरू कर दिया, और टेबल का रंग पता है किस तरह का था, ये जो ये टेबल ना थोड़ी सी व्हाइट रंग की थी और इस रंग की ना लाइनें पड़ी हुई थी, लेकिन छोटू आप ये देख ले लाइनें पड़ी हुई थी, छोटू सैफ बिना के ना वो प्याज काटे थे यूं आके करके हाथों से समेटी उसने। सैफ का तो बिल्कुल वो है, सैफ ने एम बना लिया है कि अब बच्चों को बाहर खाने नहीं देना है ना छोटू। नहीं छोटू, मैं आपको इत्तला कर रहा था कि जो भी खाना उसे 10 दफा सोचे आप। हां चलो यहाँ पर, और जब मैंने अंदर देखा ना तो इतना टाइनिंग शाइनिंग वो देख के हैरान। अच्छा ब्रेक लेने से, ब्रेक ले लेते हैं। ओके यहाँ पे ब्रेक आया छोटू, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लेने से पहले आपको बताएं कि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप हमसे हमारे छोटू से शेयर करना चाहते हैं, हमारे शो में आना चाहते हैं, तो ईमेल और एसएमएस कीजिए। ईमेल का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और एसएमएस का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो छोटू कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटू, ब्रेक से वापिस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडल छोटू। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अच्छा आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक कलर नहीं होता? ब्लैक क्यों? ब्लैक मल्टी कलर्स में बताइए। अच्छा शॉकिंग पिंक। शॉकिंग पिंक क्यों? वो शौक है। शौक है इसीलिए। अच्छा और स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं? कौन कौन सी? डिबेट में लेती हैं, स्पोर्ट्स में लेती हूँ, और आर्ट क्राफ्ट होता है उसमें लेती हूँ, राइटिंग में लेती हूँ, सब लेती हूँ। एक्टिंग करना आती है? करके दिखाइए किसकी? किसी की भी। अच्छी थी एक्टिंग। अच्छा आप, मैंने आप बता रही थी कि आपने ड्रामा और कमर्शियल किए, आप बता रही हूँ कौन कौन से? मैंने ये हमारे स्कूल में आते थे। अच्छा हमारे स्कूल पूरा करता था ये सब। हाँ तो ड्रामे का नाम जब मैं छोटी थी, एक साल हो गया उसको, तो अब वो जानती नहीं हूँ। हाँ लेकिन एक्टिंग करके बता दीजिए, कोई डायलॉग याद होगा? डायलॉग कोई तो याद होगा? नहीं या तो डायलॉग नहीं याद है तो किसी की एक्टिंग करके दिखा दीजिए। अच्छा मीरा की करके दिखाऊंगी। हाँ करें मैं चले हमने मीरा को बुला लिया, अब चले आप बताइए। मैं मीरा। मीरा हंस क्यों रही है? ऐसे ही दिल जा रहा है। मीरा अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं क्या बता सकती, मैं तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा मीरा आपकी एज क्या है? मीरा बता दीजिए, हमसे क्या छुपाना? 13 हो गई होगी। 13 थर्टीन। ओह शुक्र आपने साल तो बढ़ाया अपना। अच्छा। वरना आप 16 से ऊपर नहीं हो रही थी। अच्छा ये मैं क्या पूछ रहा था, वो गाना सुनाएंगे आपको? गाना इंग्लिश सॉन्ग आता है। सुना दीजिए। कौन सा? हमसे क्या पूछ रही है, हमें क्या बता, आप सुनाइए। You get the limo off on Wow Hashtag love you very galaver Yeah when you famous are to be kind fun If you want no one ever scares me Who wanna thought that a girl like me We double like a superstar You get the best of both
chilling out we go, then we rock the show. You get the bats, bobo. Mr. and I together and I know that it's the best of bobo. बहुत अच्छा गाना सुनाया. और आप हमारे छोटूस को कोई मैसेज देना चाहेंगे अच्छा सा? चाहूँगी. मैं छोटूस को मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं हैं, पठानी, पंजाबी, सिंधी, हम लोग कुछ नहीं हैं. मुसलमान है बहुत, ये तो बहुत, इसमें तो यार बहुत अच्छी बात है. अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है कि हम कोई पंजाबी कोई पाकिस्तानी है और बाकी कुछ नहीं है, बस हम लोग मुसलमान है. हाँ, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि आप उर्दू स्पीकिंग हो. हाँ, क्या बोल रहे, हमारी ये बरादरी है, तुम्हारी वो बरादरी है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए. हम सब मुसलमान है और एक पाकिस्तानी है. और अब बारी आ गई है ईमेल और एसएमएस की. ओके, तो सबसे पहला एसएमएस. हाय, हाउ आर यू? वी आर फाइन. जमीता तुम बता दो तुम कैसे? मैं भी बिल्कुल फाइन. आपका शो बहुत मजे का है और मैं आपका शो रोज देखता हूँ. अमार फ्रॉम कलकत्ता. थैंक यू सो मच अमार. आप हमारा शो रोज देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है. हेलो गाइस, आपका शो बहुत मजे का है और बहुत मैं इंजॉय करता हूँ. अजहर फ्रॉम कराची. थैंक यू सो मच अजहर. आप हमारा शो रोज देखते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं. थैंक यू सो मच. हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. चाय पानी पिया, सब कुछ पिया हुआ, पेट भरा हुआ है मेरा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं. हाँ. अच्छा, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ और मैं आपके शो में आना चाहता हूँ. प्लीज़ बता दें मैं कैसे आ सकता हूँ. समर फ्रॉम कराची. देखिए समर, अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं, जैसे इन्होंने हमें ईमेल और एसएमएस किए थे, आप एक दफा तो आप अपना टैलेंट लिखिए और ईमेल कर दीजिए हमें. और ईमेल अगर एसएमएस आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो नोट कर लीजिए, वरना हम बता देते हैं indusshow2@indus.tv ईमेल का तरीका है और एसएमएस का तरीका है. आईसी स्पेस नेम कॉन्टैक्ट नंबर एट सिटी और आप उसे भेज दीजिए 1313 पे. ठीक है छोटू. अच्छा पहली ईमेल आई है. हाय सैफ एंड जवेरिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका शो रोज देखती हूँ. थैंक यू सो मच समीरा फ्रॉम कराची. थैंक यू सो मच समीरा. आप हमारा शो रोज देखती हैं और समीरा की बहुत ज़्यादा मेल आ रही है. तकरीबन इतने सारे हमने शोज कर लिए, समीरा शायद हमारी रेगुलर जो हमें एसएमएस करती है. थैंक यू सो मच समीरा, आप हमें इतने सारे एसएमएस करती हैं और इतना हमारे शो को आप लाइक करती हैं. थैंक यू सो सो मच. ओके सेकंड सेकंड. हाय यमुना हेयर. ओ यमुना की कल भी आई थी ना. आपका शो रोज देखती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ. थैंक यू सो मच यमुना. आप हमारा शो रोज देखती हैं, एसएमएस भी करती हैं, ईमेल जो भी करती हैं. थैंक यू सो मच. और अब बारी आई है आंसर ऑफ द डे की. तो छोटू कल का हमारा क्वेश्चन था के 6+4. नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं था, वो तो हमारा पिछला था. अच्छा. पिछला क्वेश्चन था हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक सिटी. और सही आंसर था थॉमस एडिसन. बहुत छोटू ने गलत आंसर दिया और बहुत छोटू ने सही आंसर दिए. और जो विनर हमारे छोटू हैं वो हैं लियाकत अली, लबीब, सुमेरा, वाहिद अली, हैदर, अकबर खान और अब्बास. कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच इंडस छोटू की तरफ से, जीत गए हैं आप एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट. ओके क्वेश्चन ऑफ द डे. आज का क्वेश्चन आपके पास है? मैं बताता हूँ छोटू, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है इज एन अर्थ इज स्फीयर और नॉट. आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अर्थ हमारा जो है, अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, वो गोल है या नहीं. हाँ. और जिस छोटू वो सर्किल है या ट्रायंगल. नहीं सर्किल नहीं, वो गोल है या नहीं है, बस आप इतना बता दीजिए हमें. और जिस छोटू ने हमें सही आंसर दिया वो जीत जाएगा इंडस छोटू की तरफ से एक अच्छा सा बड़ा सा गिफ्ट. ओके और अब बारी आई है बर्थडे विशेस की. ओके फर्स्ट बर्थडे है फरा फ्रॉम कराची. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे फरा. हैप्पी बर्थडे टू यू. दूसरी है हमजा फ्रॉम कराची.
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जमीनिया मेरे पास एक अलग से लिखी हुई है, बताओ। हाँ, मिसबा फ्रॉम कराची। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिसबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, और महम फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मारवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट, मारवा नहीं था, मिसबा था। महम तुमने कहा था, महम। हाँ महम था, हमने मारवा बोल दिया, सॉरी महम, महम सॉरी, फिर से सेलिब्रेट कर। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महम, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाम सुन यार, और बस खत्म खत्म खत्म। बर्थडे विशेस हो गई, जैसे कि आप जानते हैं छोटू, सब कुछ हो गया और अब हो गया है एक ब्रेक। सॉरी छोटू, ब्रेक ऑयल के साथ नहीं, ब्रेक के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पे प्रोग्राम का ब्रेक। यहाँ पे हम दोनों सब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने से पहले आपको बताएं कि अगर आप हमसे या हमारे छोटू से शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप में कोई टैलेंट है, तो हमें ईमेल और एसएमएस कीजिए। ईमेल का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और एसएमएस का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटू। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इंडस छोटू। ओ, आपको मजा आ रहा है हमारे शो में? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही है ना? ओके, तो अपने गेस्ट का थैंक्स कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई, अपना कीमती टाइम हमारे शो में आने के लिए निकाला। ओके छोटू, और अब बारी आई है स्टोरी की। आखिरकार शेर शिकारियों के जाल में फंस जाता है। शेर को जाल में फंसा देखकर चूहा उसके करीब आता है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। बेटा, आप टूथब्रश दिन में दो बार, सुबह और रात दो वक्त किया करो। पापा, मुझे नहीं पसंद ब्रश करना। बेटा, अगर आप टूथब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों का दर्द कैसे ठीक होगा? बेटा, जिंदगी एक नेमत है, हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि हमारे मुंह में कितने किस्म के मुख्तलिफ जरासीम होते हैं? 100 से 800 तक, और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारे दांतों के लिए। पापा, क्या टूथपेस्ट करने से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं? बेटा, जब हम रोज़ ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से हमारे दांतों की गहराई में छुपे बैक्टीरियाज की सफाई हो जाती है। अगर हम रोज़ाना दांत साफ ना करें तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, और इन बीमारियों को दूर करने के लिए हम पेप्सोडेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा पापा, क्योंकि पेप्सोडेंट के अंदर मौजूद है TCN, जो बहुत फ़ायदेमंद है, जो बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। और पेप्सोडेंट में है ट्राइक्लोसैन, जिसमें है दांतों में बढ़ते हुए जरासीम को ख़त्म करने की सलाहियत, जो दूसरे फ्लोराइड टूथपेस्ट में नहीं, जो मुंह के हर किस्म के बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। जरासीम हमारे मुंह में कैविटी और दूसरी दांतों की बीमारियों का सबब बनते हैं, और हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे इस वक्त आप परेशान हो, दिन में दो बार टूथब्रश करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ पेप्सोडेंट से। पापा, ये जरासीम हमारे दांतों में कैसे आ जाते हैं? बेटा, जब हम खाना खाते हैं ना, तो कुछ ज़रात हमारे मुंह में रह जाते हैं, और वो ज़रात फिर बैक्टीरिया पैदा करते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद ज़रूरी है कि हम ब्रश करें। बेटा, हमें इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें वो जरासीम से लड़ने की ताकत, और वो सिर्फ है पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट में है TCN, जो बनाए से पाकिस्तान का नंबर वन टूथपेस्ट, जिसमें 2 times एक्स्ट्रा पावर, जो मुकाबला करे जरासीमों का और रखे हमारे दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद। पापा, तो मैं पेप्सोडेंट यूज करूंगा? हाँ बेटा, क्योंकि इसमें है एक साथ सारी खूबियां, तो आज से हमारा टूथपेस्ट पेप्सोडेंट। दांत अच्छे तो सेहत अच्छी।
स्टोरी मैं आपको छोटू सा सुनाऊंगा, वो स्टोरी है एक बच्चे के बारे में। वो बच्चा तो होता बड़ा अच्छा है, मन का सच्चा है, लेकिन ये गलती कर देता है। और जिस स्टोरी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है आज का सबक, उस स्टोरी का टॉपिक है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बच्चा होता है हामिद, वो ना अपने घर से बाहर निकलता है सुबह के वक्त अपने स्कूल जाने के लिए। चल रहा होता है, गर्मियों का मौसम होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, आसमान में उजले उजले बादल होते हैं, और जो ठंडी हवा उसके सीने में जा भरती है इस तरह कैसे कर रहे हो, तो उसके सीने में ठंडी ठंडी हवा जाती है। अचानक उसकी आंखें वो यूं के घुमाता है, इधर उधर देखता है, और उसने सोचा कि क्यों ना स्कूल से छुट्टी ली जाए, और उस वक्त मैं वापस स्कूल घर जाऊंगा जिस वक्त छुट्टी होती है, और घर वालों को लगेगा कि मैं स्कूल से पढ़ कर आ रहा हूँ। ओहो, हामिद ने कहा, अगर घर वालों को पता लग गया तो? अरे नहीं पता लगेगा यार, भला कैसे पता लग सकता है, मैं बिल्कुल एंड टाइम पे घर पे जाऊंगा जिस तरह मैं रोज जाता हूँ। तो उसने स्कूल जाने वाला रास्ता जो था ना वो बदल के उधर वाली रोड पे कर लिया जहाँ पे बाग जाता था। बाग की तरफ बड़ा मजे से भागता 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 जा रहा था। तो भागते भागते गया वहाँ पर, उसने दरवाज़ा मतलब खुला हुआ था, दरवाजे से अंदर एंटर हुआ ना, देखा रौनक नहीं थी बाग में। पूछो रौनक किस बात की? रौनक क्या, रौनक क्या होता है? उसे लगा कि बाग में और भी बच्चे होंगे जो स्कूल से भाग के आए होंगे और वहाँ पे तफरियाँ कर रहे होंगे, तफरी मतलब कि वहाँ पे मज़े कर रहे होंगे, वहाँ पे खेल रहे होंगे। उसे देख के हैरानी हुई, मगर वहाँ पे बच्चों के अलावा वो मालियों के सिवाय कोई भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ माली थे बाग में। अच्छा, वहाँ पे कोई भी नहीं था, जबकि उसको लगा कि वहाँ पे और भी बच्चे आए होंगे स्कूल से भाग के। अच्छा, वो अंदर गया, वो चलते 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 एक पहाड़ी थी, वह पहाड़ी टाइप की थोड़ी सी, वहाँ पे चढ़ गया, और वहाँ पे एक बेंच थी, खूबसूरत सी बेंच, वहाँ पे जाके उसने अपना बस्ता बेंच के नीचे रखा और जाके बेंच पे लेट गया। जैसे ही उसने ये करके ये हुआ ना, उसे यूँ आके उठ गया। पता है पूछो क्यों? क्यों? उसने चार रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। वाह! और हामिद को तितलियाँ पकड़ने का इतना शौक था, इतना शौक था जितना के एक बच्चे को गाय टहलाने का होता है। बकरीद में होता है ना कि बच्चे निकलते हैं, यार गाय टहलाऊंगा, यार गाय टहलाऊंगा, इतना शौक से तितलियाँ पकड़ने का। तो निकाला उसने अपनी जेब से रुमाल, यार क्या डर रही है, उसने अपनी जेब से निकाला रुमाल है और लेके फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए इसीलिए रुमाल निकाला। नहीं, यहाँ के भागा भागा उसके पीछे, उसने कहा कि मैं उसे पकड़ता हूँ तितलियों को, चाहूँ तितलियों के पीछे भागा, पहाड़ी के उस साइड पर चला गया बेधड़नी में, भागते 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 तितलियाँ फिर से सब एक जगह बैठ गई। उसने ये अच्छा मौका है, रुमाल उसने निकाल लिया था, यूँ करके फेंका, एक तितली उड़ गई थी और तीन तितलियाँ रुमाल में आ गई। उसे दुख हुआ, उसने यूँ आके पकड़ा और अपनी जेब में रख लिया। तितली को जेब में रख लिया? हाँ, मरी नहीं, वो मर गई। तो उसने जेब में आराम से रखा ना, उसकी जेब भी खुली खुली थी, उसने यूँ आके रख लिया। तो एक एक तितली के पीछे भागा, उसने फिर से निकाल के ना थोड़ा सा यूँ करके देखा ना, उसने कहा चलो तितली ने आग में उंगली डाल दी। नहीं नहीं, उसने तीन तितलियां पकड़ ली, उसने यूं करके देखा, वो एक तितली ने कहा चलो एक तितली छोड़ दो जाने दो, उसने यूं खोल के देखा, उसने कहा दो तितलियां, उसने कहा अरे यार डालते वक्त निकल गई, तो उससे बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा यार ये क्या इतनी मेहनत, तो वो तितलियों का करता क्या था? उसे शौक था ना, जिसकी वजह से मैं एग्जाम्पल दी कि शौक। अच्छा, पकड़ लिया फिर क्या करा? बस पकड़ने का शौक था उसको, पकड़ के उड़ा दो। बच्चों को गाय टहराने का शौक क्या होता है? गाय टक्कर मार देगी उन्हें? नहीं, कि कोई काम तो होगा ना तितलियों से, कि उसको घर में रखें, कुछ पाले वाले तितलियों को। हाँ, तितलियों को बस ऐसे ही शौक था ना, बच्चे क्या वो इतना कॉमन सेंस नहीं है। पकड़ के पर्वत तोड़ उड़ के फेंके, वो स्कूल से भागा था, लेकिन वो अपने अम्मी अब्बू को बहुत फरमा बरदार बच्चा था, अपने अम्मी अब्बू की हर बात मान। फिर क्या हुआ तितली का? तितली उसने देखी यार दो तितलियों से इतना दुख हुआ कि एक तितली उड़ गई, उसने फिर से निकाल के जेब में रखी। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो इधर उधर देख रहा था कि वो बेंच का जिस पर मैंने अपना बैग रखा था, उसने बेंच देखी, वो बेंच की तरफ भागते हुए गया, बेंच के नीचे क्या देखा? क्या उसने देखा? कि उसका बेंच के नीचे बैग ही नहीं है। ओ, वो बेचारा बच्चा मारा मारा एक घंटे तक इधर उधर फिरता रहा कि मेरा बैग कहाँ है। लेकिन उसका बैग लिया किसने था?
लिया नहीं था। अभी आगे तो सुनो, ये तो स्टोरी का सस्पेंस है। वो बेचारा एक घंटे तक मारा 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 इधर उधर फिरता रहा बेचारा, तो समझ नहीं आता। एक घंटे तक जब फिरता रहा ना, उसने देखा वो बेंच मिली जिसके अंदर नीचे ना काले रंग की कोई चीज रखी थी। वो भागा 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 गया, हाथ यूं करके बढ़ाया और चिल्लाया। क्यों, करंट था बैग के अंदर? नहीं नहीं, चिल्लाया, हाथ बढ़ाया, उसे हंसना आया, लेकिन फिर वो चिल्लाया। पूछो क्यों चिल्लाया? क्यों चिल्लाया? उस बैग मैं बम रखूं? उस बेंच के नीचे जिसको वो बैग समझ रहा था, वो बैग नहीं, असल में जंगली बिल्ला था। ओह यो लो, बिल्ला बिल्ला काला काला इतना चिल्ला रहा था वो। देखे घुर्राया वहां में, डर गया, डर गया जंगली बिल्ली ने पहले घुर्राया, वो पीछे हट गया। फिर जो उसने जंप लगाई ना, वो यूं अड़के हो गया और वो बिल्ला किनारे से निकल गया। और वो बेचारा साफ होने लगा, उसने कहा याल्ला ये क्या हो गया मेरे साथ है। वो इधर उधर देखा तो उसने कहा कि यार यहाँ पे तो सांप मिलने के भी चांसेस हैं। तो उसने देखा ही था जमीन की तरह के अचानक। बाकी की स्टोरी में कल सुनाऊंगा। नहीं भाई अभी सुनाओ ना सैफ, इतना सस्पेंस नहीं रखो ना। नहीं नहीं, अब बाकी की स्टोरी में कल सुनाऊंगा। शो अच्छा, का टाइम खत्म हो रहा है ना छोटूस, अब बाकी की स्टोरी सैफ कल सुनाएगा और छोटू जरूर देखेगा हमारा कल वाला शो, क्योंकि ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना स्टोरी बहुत सस्पेंस वाली है। स्टोरी का सस्पेंस का सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ पे स्टोरी का टाइम खत्म हो गया है और हमारे शो का भी टाइम खत्म हो गया है। तो छोटू जो हमने चीज बताई उस पर अमल कीजिएगा, बुक की हेल्प लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अबू का कहना मानिएगा। और जो क्या नाम है इन्होंने कहा हमारी गेस्ट ने कि किसी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि तुम ये हो तुम वो हो, तुम काले हो तुम गोरे हो, ऐसे नहीं, तुम पंजाबी हो तुम ये हो तुम वो, बस कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए, सब मुसलमान है सब एक ही। बात का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा छोटूस। बाय बाय अपने अम्मी अबू का। बाय बाय छोटूस। बाय बाय।